नवा जायजा मुकम्मल न हुआ तो IMF से मुख्तसर मुद्दत का स्टैंड बाय मुआहिदा किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज दी है कि बोर्ड इजलास न हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तौसी की जाए, स्टैंड बाय मुआहिदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद रोज में मजीद $1 अरब, सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से मुआहिदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का इआदा किया था। IMF शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कुन इकदाम किए हैं। IMF मिशन चीफ का कर्ज बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। नेथन पोर्टर का कहना है कि नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाने, फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त करना और बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इकदाम के बाद जल्द माहदे पर पहुँचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुजाकरात जारी हैं। अब पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल लाकर स्टोर कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने ऐलान कर दिया, कहा मुनाफा खोरों की जानिब से तेल की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। गैस के कुओं का गर्दिशी कर्ज सिफर कर दिया है। वक्त कम मुकाबला सख्त, ईद कुर्बा में सिर्फ 1 रोज बाकी, कई जगह जानवर खरीदने का मिशन खरीदारी जारी। जानवर दो दान का हो, तगड़ा हो, खूबसूरत भी हो, मनपसंद कीमत पर मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। कहीं मवेशी मंडियों में भावताव में तेजी, कहीं खरीदारों की व्यापारियों को मनाने की कोशिश, कहीं महंगाई के बाइस व्यापारियों को ग्राहक की तलाश। जिसको जेब के मुताबिक जानवर मिल गया वो ले गया, जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मवेशियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में कुछ व्यापारी जानवर बेचकर घर को चल दिए। मंडी में जानवर कम रह गए, व्यापारी 2 लाख का जानवर 4 लाख में फरोख्त करने लगे। लारी नस्ल की ऊन भी 8 लाख से कम कीमत पर दस्तियाब नहीं, शहरी परेशान। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाआत में लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुत्तहिद अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमाआत। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम, बाज आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की नमाज दुबई में अदा की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आबाई इलाके नवाबशाह, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना में ईद मनाएंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, कहा ईद उल अज़हा जज्बे कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी का दर्स देती है, समाजी इक्तिसादी अदम मसावात कम करके इत्तेहाद को फ़रोग देती है। वजीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब अरदोगान को फ़ोन, तुर्क सदर की वजीर आज़म और पाकिस्तानी आवाम को ईद की मुबारकबाद। मीना में हुजाज कराम रमी में मसरूफ रहे, बड़े शैतान को कंकरियां मारी। हुजाज कराम मुज़दलिफा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मीना पहुंचे। रमी के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए। हुजाज कराम कल और परसों भी मीना में ही कयाम करेंगे और तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी इदारे शुमारियात के मुताबिक इस साल तकरीबन 18.5 लाख अफराद ने हज की सआदत हासिल की है। लाहौर में साबिक गवर्नर और सीनियर वकील लतीफ खोसा के घर फायरिंग करने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार। पेशावर मुल्ज़िम का जुबैर नियाजी पर रकम देकर हमला करवाने का इल्ज़ाम। अगला हदफ बैरिस्टर एतज़ाज़ अहसन थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि मुल्ज़िम मोहसिन की जुबैर नियाजी से फायरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई, 1 लाख रुपए एडवांस में लिए। साथी के साथ लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग की। वारदात का मकसद वकला को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा ने कहा है कि वो और एतज़ाज़ अहसन दोनों पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। पीपल्स पार्टी से ना उनकी रुकनियत कैंसिल की गई है, ना कोई कर सकता है। नून लीग से इल्हाक की पॉलिसी उन्हें पसंद नहीं। हमने कहा कि बिलावल की बहुत मजबूत सियासी विरासत है, उसे शहबाज शरीफ का वजीर न बनाए। नवाज शरीफ का शुमार भुट्टो शहीद के कातिलों में होता है। एतज़ाज़ अहसन का कहना था कि आप फौजी अदालतें जरूर बनाए लेकिन आइन में तरमीम करके बनाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैयाज़ुल हसन चौहान की PTI पर कड़ी तनकीद, कहा PTI के दौर में 27 सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चले। PTI दौर में एक नौजवान ने आर्मी चीफ को खत लिखा, उस पर केस चलाया गया। आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो आर्मी तनसीबात पर हमले करेगा
फौजी अदालत में केस चलेगा। फैयाज चौहान ने मजीद कहा, प्लानिंग के साथ पीटीआई का सोशल मीडिया मिलिट्री कोर्ट पर गलत बयान कर रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स पर दो लोग मीडिया में चेयरमैन पीटीआई के चीफ पेट्रन बने हुए हैं। ये लोग एक एजेंडे पर हैं और लोगों का जहन खराब कर रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इदारों में बैठे लोग भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अभी तो नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं और उनकी हिदायत पर रूस से तेल पाकिस्तान आया। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड को हर हाल में सजा देना होगी। मर्दान में पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का जुडिशल रिमांड, जेल भेज दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। अली मोहम्मद खान को गुज़िश्ता रोज रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असेंबली चौधरी अदनान का कहना है कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई तो पार्टी से इख्तलाफ किया। गढ़े में गिरने से बचा जा सकता है लेकिन खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गलियात के सरकारी रेस्ट हाउसेस औने पौने दामों मनपसंद अफराद को देकर सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। अकरबा फरवरी में चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बुनियादी किरदार निकले। सलीम साफी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सरकारी रेस्ट हाउसेस और इमारतें चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथियों, पीटीआई के वाबस्तगान और दीगर चहीतों को औने पौने दामों लीज पर अलॉट किए गए। रिट्रेट हाउस, नतिया गली और विंडिया कॉटेज को इंजमामुल हक नामी शख्स को 33 लाख और 10 लाख सालाना किराए पर दिया गया, जो मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम है। दो सेक्रेटेरिएट कॉटेजेस भी सालाना 10 लाख रुपए किराए पर दिए गए, ये भी मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम है। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत कराची के वोटर लिस्टों में भी डाकाजनी कर रहे हैं। पहले गिना नहीं गया, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी और अब वोट गायब किए जा रहे हैं। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक घर के 5 वोटों में से 3 वोट हल्के और जिले से ही बाहर कर दिए गए हैं। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें कराची को इतनी जेरी मेंडरिंग का सामना है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची के आवाम का मुस्तरद शुदा लीडर करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमिश्नर को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी होने का वो ताना दे रहा है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने आज हाफिज नईम का पीआरओ बनने का बाज़ाबता ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर्रहमान ने कहा है कि सिंध के आवाम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है और कौन उनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईम उर्रहमान ने कहा कि रियासत का काम आवाम को रोजगार के साथ तालीम देना है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत का पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत्म PSL 8 और नजम सेठी दौर में होने वाले अखराजात का मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत। ऑडिटर जनरल को 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 तक का ऑडिट बिला ताखिर शुरू करने के अहकाम जारी। ऑडिट हुकाम नजम सेठी समेत आरजी मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को मिली मुराद का भी जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में आरजी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी। ईद से एक रोज कबल सब्ज मसालों की कीमतें आसमान पर। लाहौर और कोयटा में धनिया की गड्ढी 70 रुपए, अदरक 1000 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए किलो और हरी मिर्च 250 रुपए किलो हो गई। खीरा 100 रुपए किलो, कच्चा पपीता 230 रुपए किलो हो गया। कराची में भी कीमतों में इजाफा, हरा धनिया नायाब हो गया। पिशावर में लीमू 250 रुपए किलो, अदरक 1000 रुपए किलो हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 140 रुपए किलो, अदरक 1000 रुपए किलो और हरे धनिया की गड्ढी 100 रुपए की मिल रही है। शहरियों का जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा, कहा सब्ज मसालों की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। 2 रोज कबल और आज के निरखों में जमीन आसमान का फर्क है। ईद से पहले कई ATMs खराब, कई में कैश खत्म, बैंकों की हेल्पलाइंस भी काम छोड़ गईं। शहरियों को अपनी ही रकम निकलवाने के लिए शदीद कोफ्त का सामना। परेशानी ये है कि ईद के दिन कैसे गुजरेंगे। शिकवा किया कि ईद करीब आते ही ATM के लिंक्स डाउन होना मामूल बन चुका है। व्यापारियों के बाद कसाईयों की मनमानी, मौसमी कसाईयों के मिजाज भी आसमानों पर। मर्जी के दाम और नखरे बेशुमार। 12 महीनों के कसाबों ने मौसमी कसाईयों से 3 गुना ज्यादा पैसे लेने के लिए छुरियां और चाकू तेज कर लिए। बच्चे
कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में मसरूफ। कोई गाय को नहला रहा है, कोई चारा बना रहा है, कोई अपने जानवर को सजाने संवारने में मसरूफ है, तो कोई कल अपने जानवर की कुर्बानी का सोचकर अफसरदा है।